नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ने अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में जहाँ छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, तो वही बॉलीवुड भी लामबंद होने लगा। अभिनेता फरहान अख्तर ने तो 19 दिसंबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बना ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बड़ा बयान दिया। दरअसल राजधानी दिल्ली में जामिया के पास शुरू हुए हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद सीलमपुर और जाफराबाद में भी जमकर हिंसा देखने को मिली। हिंसा की बढ़ती घटनाओं से चिंतित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि विरोध करना भारत के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि ये प्रदर्शन नियंत्रण में किया जाए। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाही इमाम अहमद बुखारी ने मुस्लिम समुदाय को नागरिकता संशोधन कानून और NRC में अंतर बताते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी NRC के बीच अंतर है। एक CAA है जो एक कानून बन गया है और दूसरा NRC है जिसकी केवल घोषणा की गई है। ये एक कानून नहीं है। CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका भारत में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जो बात शाही इमाम ने कही है, वो बात मोदी सरकार शुरू से कहती आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर बयान दिया कि ये कानून 0.001% भी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं। ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। मगर यार, मगर आप जिस बेटियों की चिंता कर रहे हैं, पीएम मोदी भी ट्विटर से लेकर रैलियों तक विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा रहे हैं कि इस कानून से भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से अपील भी की कि विपक्ष के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं। हर किसी को फिर से कहना चाहता हूं कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। हमने जो कानून बनाया है, ये तो हमारे पड़ोस के 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों में धार्मिक अत्याचार की वजह से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने कानून बनाया है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बरसों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिनके पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय मुसलमानों या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन कहां होता है? बता दें, मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते ही संसद के दोनों सदन से नागरिकता संशोधन बिल पास कराया है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों इस्लामिक देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, इसीलिए नागरिकता संशोधन कानून में उन्हें शामिल नहीं किया गया। हर किसी को फिर से कहना चाहता हूं कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। हमने जो कानून बनाया है, ये तो हमारे पड़ोस के 3 देशों में,
बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीन देशों में धार्मिक अत्याचार की वजह से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने कानून बनाया है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बरसों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिनके पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय मुसलमानों या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन कहां होता है? साथियों, मैं कांग्रेस सहित उन तमाम दलों को इस वीरों की धरती से आज चुनौती देता हूं। साथियों बताइए, चुनौती दूं या ना दूं? आपके आशीर्वाद है ना? ये वीरों की भूमि से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करे, अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करे, कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करे कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस में साहस है तो खुलकर यह भी घोषणा करे कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। कर बोलो जरा, हिम्मत है तो बोलो। मोदी ने हटाया है, आप वापिस लाने का देश के सामने घोषणा करके दिखाओ। गुमराह कर रहे हो लोगों को। अरे कांग्रेस में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है, अरे कांग्रेस के साथियों में हिम्मत है तो वो ये भी खुल करके घोषणा करे कि तीन तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसे वो रद्द कर देंगे। जरा हिम्मत के साथ बताओ। कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार करे, खुल करके ऐलान करे, वरना देश से झूठ बोलना, देश में भ्रम फैलाना, दूसरों को अपनी ढाल बनाकर ये गुरिल्ला राजनीति करना बंद कर दें। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि वो देश के युवाओं को बर्बाद करने के ये खेल खेलना बंद कर दें। किसी का भला नहीं होगा, देश के उज्जवल भविष्य का भला नहीं होगा। जिन मां बाप ने काली मजदूरी करके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, उन मां बाप के सपनों को तहस नहस करने का पाप अपनी राजनीति के लिए मत करो। देश देख रहा है कैसे बहुत सफाई से कांग्रेस ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून
नागरिकता संशोधन कानून CAA के बारे में बोलना ही बंद कर दिया है, लेकिन दूसरे मुद्दों को उछाल करके उसके पीछे छिप करके डर फैलाना, भ्रम फैलाना, गंदी राजनीति को हवा देने शुरू कर दिया है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, भारत की सरकार का एक ही पवित्र ग्रंथ है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया हुआ भारत का संविधान, यही हमारा ग्रंथ है। हमारे लिए एक ही मंत्र सर्वोपरि है, एक ही मंत्र हमारी प्रेरणा है, एक ही हमारा मंत्र हमें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है, और वो मंत्र है भारत माता की जय। हम सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय इस मंत्र को लिए जी रहे हैं, जूझ रहे हैं और जी जान से जुटे हुए हैं। इनके दायरे में लिए गए हर फैसले के साथ मां भारती के कल्याण के लिए, मां भारती के जय जयकार के लिए लिए गए हर फैसले के साथ ये आपका सेवक खड़ा रहेगा।